अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण एक स्थानीय ज्वेलर राकेश को उसके चचेरे भाई रॉबिन ने आग के हवाले कर दिया। हम आपको बता दें कि यह घटना द्वारकाधीश पुलिस आउटपोस्ट के नजदीक हुई। जो पीड़ित है राकेश, वो 90% तक जल चुका था। उसे पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में आगरा उसे रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ये केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश यहां पर जारी है। मैं चार छह दुकान दूर पे बैठा था, तो एक लड़का पहले भागा हुआ, लंबा लंबा निकल, पीठ देख लिया उसकी, मैंने मुंह नहीं देखा, दौड़ता हुआ गया। उसके बाद हल्ला मचाता हूँ, एक लड़का एक आग कहाँ से गोला, पूरे शरीर में आग लगी हुई थी, भाई पहचान ही नहीं पाया कौन है क्या है। जाकर मैं भागता हुआ पीछे गया, नंगे पैरों गया, तो ये राकेश निकला। इसके ऊपर बताया कि वो थिरक ने डांट के किसी ने आग लगा दी। एक व्यापारी जो अपने दुकान पे बैठा था, उसके ऊपर एक व्यक्ति द्वारा थिनर डाल के उसमें उसको आग लगाई गई है, जिससे वो काफ़ी जल गया है, काफ़ी सीरियस है। तत्काल उसको अस्पताल लाया गया, फर्स्ट एड देके उसको अभी आगरा रेफर किया गया है। घटना के पीछे जो बताया जा रहा है, ये जो घायल व्यक्ति उसका नाम राकेश वर्मा है, और इसको इसके मौसेरे भाई, सगे मौसेरे भाई ने ही, जो रॉबिन नाम है जिसका, उसने ये घटना उसके साथ की है। रॉबिन वर्मा की पकड़ने के प्रयास हो रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।